नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो हम इस वीडियो में ट्रांजिस्टर को कवर करेंगे और पूरी डिटेल जाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर किस तरह से आपके फोन में काम करता है और क्यों लगाया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके फोन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, आगे बढ़ते हैं। तो BGTN बिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपका यूज होता है। और ट्रांजिस्टर का काम जो होता है, ट्रांजिस्टर एक कंट्रोल सर्किट के स्विच की तरह काम करता है। इससे सिग्नल को एम्पलीफाई भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, एक स्विच की तरह काम करता है। मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है आपके, कहीं सर्किट में क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब में आपके प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें एक स्विच लगाओगे बीच में। बीच में क्या लगा दिया आपने, स्विच लगा दिया, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम बैटरी बना लेते हैं, बैटरी का सिंबल बना लिया। तो हमने क्या करना, एक स्विच लगा दिया, और स्विच को जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो जब हमारा क्या होगा, जो बल्ब होगा वो जलेगा। तो इस काम को हम डिजिटली करेंगे। डिजिटली कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा देंगे। जो ट्रांजिस्टर होगा वो स्वतः ही अपना जो ऑन ऑफ का काम है वो अपने आप ही करेगा। तो उसको सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। आपका इस तरह से तीन टंग का आपका ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसकी जो पिने होती है, जैसे मान लो एक दो तीन पिने इसकी, तो ट्रांजिस्टर में पिनों के नाम होते हैं। जैसे इसको हम बना देते हैं बी, इसको बनाते हैं सी, इसको बना देते हैं ई। अब ये बी सी ई क्या होता है, तो बी का मतलब होता है आपका बेस, सी का मतलब होता है कलेक्टर, और ई होता है हमारा इमीटर। तो जो आपके ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन टर्मिनल यानी तीन पिने होते हैं, पिनों के नाम होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर। अब क्या होता है, अब तीनों के काम क्या होते हैं। मान लो आपने अभी बल्ब लगाया था, ये आपकी लाइट लगी हुई है, कोई भी कोई बल्ब लगा हुआ है। अब इसको ऑन करने के लिए प्लस और माइनस चाहिए। तुमने क्या किया, ये हमारी प्लस वाली लाइन होगी, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। मान लो इधर बैटरी लगा दी हमने, और इस बैटरी से का जो प्लस वाला जो सिंबल है बैटरी, ये इसका जो प्लस है वो हमने दे दिया कलेक्टर को, और माइनस को हमने डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, हमारी मान लो 4 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। 4 वोल्टेज किसको दिए जा रहे हैं, लाइट को दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, स्विच की जगह हमारा क्या करेगा, ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो अब क्या करना होगा, हमें ट्रांजिस्टर से बल्ब चालू करना होगा। तो जो बेस होता है इसका, जिसे हम बेस बोलते हैं, ये इसका एक इनेबल होता है। यानी जब तक इसके बेस को कुछ वोल्टेज नहीं दोगे, जब तक ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये कलेक्टर से इमीटर की ओर करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए हम इसके बेस पे, यानी इसके कलेक्टर 4 वोल्टेज आ रहे हैं, तो बेस में बहुत ही ज्यादा कम वोल्टेज दिए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा कम वोल्टेज दे के हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 वोल्टेज दे रहा तो 4 वोल्टेज ही हमें इसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें क्या होता है, बेस में बहुत ही ज्यादा कम हमें वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती है। जो आप जब वोल्टेज दे दोगे तो आपका जो लाइट है वो जल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो काम करता है। आगे समझते हैं। जैसे मैंने आपको पिन बताई थी, इमीटर कलेक्टर बेस, इस तरह से आपने देखा होगा जो आपके जैसे टीवी फ्रिज एसी उनमें होते हैं, तो उसमें बड़े साइज के लगते हैं, बाकी मोबाइल फोन में आपका बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब छोटा क्या है, जो ट्रांजिस्टर जो होता है, मेन ट्रांजिस्टर का अपडेट वर्जन आ गया MOSFET में। तो ट्रांजिस्टर जो यूज होता है, जो भी एक आध होता है, वो होता है केवल आईसीओ के अंदर। वो आपको अलग से मोबाइल में नहीं मिलेगा, अलग से देखने को, जो भी मिलेगा आपको किसी आईसी में मिल जाएगा। आपका आईसी के अंदर ही लगा रहता है, जो स्विचिंग कराता रहता है। बाकी इसको अपडेट करके, अब इसका अपडेट हो गया है तो MOSFET आ गया, तो इसकी जगह ज्यादातर कंपनियां होती है वो MOSFET लगाती है, पर ट्रांजिस्टर भी कई जगह का यूज किया जाता है। तो जानकारी आपको, अगर आपको इन कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो सबकी जानकारी होनी चाहिए आपको। अभी हो गया, ये जो पिन होती है इसकी, जैसे हमने कलेक्टर बेस इमीटर लिया था, इनका क्या होता है, नंबर होता है। ट्रांजिस्टर का क्या होता है, नंबर होता है। तो नंबर के हिसाब से इनकी पिने जो होती हैं वो उनके टर्मिनल चेंज हो जाते हैं। अगर मान लो इसमें बेस इधर दिया हुआ 30 नंबर का, अगर दूसरे नंबर का होगा तो हो सकता है बीच में हो जाए, बेस इधर हो जाए। तो नंबर के हिसाब से इनकी पिन डिटेल क्या होती है, अलग होती है। ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए इसके बेस पर बहुत ही कम वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपने क्या किया, इधर से इन कर दिया वोल्टेज, इधर से आउट कर दिया। अब बीच में यहाँ पे कुछ भी लगाओ, चाहे लाइट लगी हो, कुछ भी लगी हो, अगर मान लो यहाँ पे 2 वोल्टेज दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है इसके बेस पे। इसमें बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, उससे क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ट्रांजिस्टर के बड़े वोल्टेज को हम छोटे वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, बड़ा वोल्टेज कौन सा हो गया, जैसे जो मेन वोल्टेज आता है, यानी कलेक्टर से मीटर की ओर वोल्टेज आ रहा है, वो बड़ा वोल्टेज हो गया, उसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं,
बेस से, अगर बेस पे हम कम ज्यादा वोल्टेज करेंगे ना तो जो आउटपुट है वो भी हमारा कम ज्यादा हो जाता है ट्रांजिस्टर में। आगे चलते हैं। अब जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पीएनपी जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से होते हैं। तो दोनों टाइपों को हम समझ लेते हैं। तो ये आपके दो टाइप हो गए, एनपीएन हो गया और ये आपका पीएनपी हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डायोड लगे हुए होते हैं। तो डायोड जो लगे होते हैं तो ये इसमें देख रहे हैं आपका डायोड का जो एक सरा वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी इसका नेगेटिव इधर और इसका इधर हो गया। तो दोनों की डायोड की क्या डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है इसको चलाने के लिए हम इसके कलेक्टर पर वोल्टेज इन करते हैं, पर पीएनपी में क्या होता है इसको चलाने के लिए हम इसके इमीटर पर वोल्टेज इन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, यानी अगर आपका एनपीएन आपके सर्किट में लगा हुआ है तो इसको चलने के लिए आपको कलेक्टर वोल्टेज देने पड़ेंगे, और पीएनपी लगा हुआ है तो इसके इमीटर वोल्टेज देने पड़ेंगे। बाकी बेस आपका सेम रहेगा, कम वोल्टेज देके इसको यूज किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, डायोड लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर डायोड होते हैं, तो जैसे एनपीएन, तो यहाँ पे एन हो गया और पी यहाँ पे कॉमन हो गया पी और ये एन, तो दो डायोड लगे रहते हैं इनके अंदर, ऐसे ही हो जाएगा पी या डबल एन है तो कॉमन हो गया ये पी। तो एनपीएन और पीएनपी दो डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बनता है, यानी इसके अंदर दो डायोड लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर का मेन काम है जो आपको मैंने पीछे भी बताया था कि मेन काम इसका स्विचिंग का होता है, और इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। कौन? बस दो मिनट, थोड़ी सी वीडियो रहेगी, खत्म कर दूं। तो इस तरह से आप ट्रांजिस्टर को, यार कंफ्यूज हो गया, इस तरह से मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था तो इसकी ये डिटेल थी। वीडियो कैसी लगी तो के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर था, तो इसका जो वर्किंग थी ट्रांजिस्टर की मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।